गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कंडक्टर में हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बेटा दो एंड्स में, तो उसमें करंट फ्लो करते हैं, और जो जितने भी जो करंट कैरियर्स होते हैं, और कंडक्टर में हमें पता है सॉलिड कंडक्टर होता है, उसमें कौन से करंट कैरियर होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जो कंडक्टर्स होता है बेटा, ध्यान देना है, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड। बहुत सारे एटम्स होंगे इसमें और क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, और उनके जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो दे नो लॉन्गर रिमेन अटैच टू द इंडिविजुअल एटम्स। वो अपने इंडिविजुअल एटम्स से अटैच नहीं रह जाते हैं, और दे कैन फ्रीली रोम विद इन द मटेरियल। रोम मतलब मूव कर सकते हैं विद इन द मटेरियल, अपने एटम को छोड़ के इधर उधर जा सकते हैं वो, जो कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम्स के। क्लियर? और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा एक मटेरियल में कितने होते हैं? लगभग 10^29 पर मीटर क्यूब। जो इनकी जो डेंसिटी होती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होती है 10^29 पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे अमाउंट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई वायर ही है ऐसे, ठीक है, अब उसमें तो इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन वो मूव करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम जब इन दो वायर के एंड को कहीं से भी टच करते हैं तो हमें कोई भी करंट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है बेटा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं बेटा वो मूव करते हैं ड्यू टू थर्मल मोशंस। ठीक है, जो थर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे एट रूम टेम्परेचर दे हैव थर्मल एजिटेशन, वाइब्रेशंस होती है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो उनमें थर्मल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स में। तो थर्मल मोशन है बेटा, उसमें तो उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ड्यू टू थर्मल मोशंस। ठीक है, जो टेम्परेचर के कारण उनमें वेलोसिटी है उसको थर्मल वेलोसिटीज बोलते हैं। लेकिन जो वेलोसिटीज होती है बेटा दे आर रेंडमली, वो एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, कोई साइड मूव करे, कोई ऊपर कोई नीचे, लेकिन विद इन द मेटीरियल उनकी कोई डेफिनेट डायरेक्शंस नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर इस मटेरियल में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी U1 है, दूसरे की U2 है, थर्मल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ ड्यू टू टेम्परेचर के कारण, जो है U3 एंड सो ऑन UN, और लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम होती है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं, कोई इस साइड, कोई उस साइड, कोई ऊपर नहीं। और इन सब की जो एवरेज वैल्यू आती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, वो कितनी आती है? जीरो आती है। बट इन सब का सम और बट एन, U1 प्लस U2 प्लस O1 प्लस UN बट एन जीरो, मतलब इनका जो देर जो नेट फ्लो, जब थर्मल जो नेट फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या है? जीरो। मतलब थर्मल वेलोसिटी कितनी? जीरो। मतलब नेट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जब इलेक्ट्रॉन्स का कहीं पर भी कोई नेट, किसी भी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फ्लो नहीं है, तो करंट भी कितना होगा बेटा? यहाँ पर जीरो। बेसिक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द मेटीरियल, लाइक द मोलिक्यूल ऑफ द गैस, इस साइड इस साइड इस साइड। ठीक है, जब इसको समझने के लिए मान लो बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें ध्यान देना है, जब ये मूव करते रहते हैं, जब कोई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की है, जैसे मान लो ये एटम है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, अब उसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो एक्सेस में क्या बच गया? प्रोटॉन्स, जो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, और वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और एटम भी क्या होता है? दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये टाइटली बॉन्डेड होता है, तो ये फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए। ठीक, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस साइड को मूव कर रहा है इधर को, और जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड करता है, ठीक है, और कोलिजन जरूरी है बेटा कि उनका एक्चुअल कॉन्टेक्ट के साथ होता है, वो दूर से भी हो जाता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इसमें जो कोलिजन है दूर से भी हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन या अट्रैक्शन। तो जैसे ये मान लो इधर को गया बेटा, और इसने इसको क्या किया? अट्रैक्ट किया, और ये इसके पास मान लो U1 वेलोसिटी, यहां से इधर को कोलाइड किया, तो इसने क्या किया बेटा? इसको एब्जॉर्व कर लिया। ठीक, अब एब्जॉर्व होने का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया बेटा, तो उसी टाइम विद इन नो टाइम यहां से एक और इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉन है यही रिबाउंड होकर वापस आ जाए, और लेकिन ये जो ये वेलोसिटी है, अब किस डायरेक्शन में ये इमर्ज होके निकलेगा विद सेम वेलोसिटी, वो डायरेक्शन रैंडम होती है, वो किसी भी इधर भी जा सकते हैं, इस साइड भी, इस साइड, इस साइड भी। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है, कोई इस साइड, कोई इस साइड, जब उनका, ठीक है, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते रहते हैं और इमर्ज होके निकलते रहते हैं, और उनकी वेलोसिटी कितनी? रैंडम होती है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होती। और क्योंकि बेटा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो कॉलिजन होता है वो इलास्टिक कॉलिजन होते हैं, और हमें पता है इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है?
जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जैसे ही कॉलिजन होगा तो ऐसा नहीं कि उसके बाद थोड़ी देर बाद निकलेगा, उसी टाइम उतने ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन इमर्ज होकर निकल जाएगा, ठीक है। और वो रैंडम, उनकी जो डायरेक्शन होती है रैंडम होती है, और जो जितनी भी वेलोसिटीज होंगी इलेक्ट्रॉन्स की, उन सब की जो थर्मल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगी वो कितनी आती है बेटा, जीरो। तो करंट भी कितना होता है यहां पर, जीरो होता है, क्लियर, इन द सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा मान लो हमने इसके दो कंडक्टर के चार दोनों एंड में क्या लगा दिया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, सेल से जोड़ दिया, इधर पॉजिटिव एंड को सेल के पॉजिटिव एंड को इसकी एक एंड पे, नेगेटिव को दूसरे एंड पे। तो यहां पर क्या सेटअप हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, F इज़ क्यू ई, हमने पढ़ा क्यू ई फोर्स लगती है, और क्यू चार्ज कितना ही लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस ई, तो क्यू की जगह लिखे माइनस, इतनी फोर्स लगेगी बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और माइनस के इंडिकेटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। अब जब मान लो एम जो है वो मास है इलेक्ट्रॉन का, तो कितनी एक्सेलरेशन लगेगी उसके ऊपर, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ कितना है माइनस ई ई, या इतनी एक्सेलरेशन लगेगी बेटा, ठीक है। तो मैंने यहां शो किया, जैसे ये भी एक कंडक्टर है, इसमें चार इलेक्ट्रॉन शो किए मैंने, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव एंड को कनेक्ट किया और इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप होगी, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी, ठीक है। अब पहले इस डायरेक्शन, जब इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के पास इस साइड इस तरफ को क्या आएगी बेटा, एक एडिशनल, एक तो थर्मल वेलोसिटी थी ना मान लो यू वन है, इस तरफ को एक और वेलोसिटी आ जाएगी, पहले तो जीरो थी जैसे एक्सेलरेशन, तो इधर को फोर्स लगी, तो धीरे धीरे वो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये वाली, ये कंपोनेंट, ठीक। अब ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा तो अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट आपको पता सीधा होता है, लेकिन ये जो ये कंपोनेंट है ये बढ़ता जाता है, तो ये जो इसका इफेक्ट ज्यादा है, ये इस तरफ को झुकाव ज्यादा, लेकिन अब ये बढ़ता जाएगा तो इस तरह से ऐसे एक कर्व, कर्व क्यों बना रहे हैं, अगर ये दोनों कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है, लेकिन ये कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है तो इस तरफ को इफेक्ट पहले धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्लियर। ये अब इसके ऊपर फोर्स इधर को लगेगी, तो ये इस पहले कहां मूव करना था, इसने इधर को मूव करना था, अब क्या करें, ये कंपोनेंट तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे इधर को आ जाएगा, इस तरह की इसके ऊपर भी इधर को फोर्स लगी, तो इस फोर्स इधर को वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहां से वो इधर को, इसके ऊपर भी फोर्स इधर को, एक तो ये कंपोनेंट तो है ही है, ये बड़ा साथ में ही है, तो इसके पास जो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास दो कंपोनेंट, मतलब एक एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इसमें एडिशनल काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाती है हर एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक तो थर्मल वेलोसिटी के कारण है, साथ में जो एक्सेलरेशन एक्ट की ड्यू टू इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण भी इन्होंने एक गेन, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, जिसको एडिशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके उस एडिशनल काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव करे, कर्व में मूव करे, कर्व में पता लगे क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये ऐसे ऐसे इधर को, तो अब ध्यान, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो इस इलेक्ट्रॉन ने कहां जाना था बेटा, यहां से यहां पर जाना था, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने यहां पर पहुंचना था, इसने यहां से यहां पहुंचना था, लेकिन अब इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो यहां नहीं पहुंचा, कहां पहुंचा, यहां से, तो यहां से यहां ड्रिफ्ट कर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, ये इस कंपोनेंट की वजह से यहां पहुंचना था, लेकिन जब हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस कंपोनेंट की वजह से ये यहां नहीं पहुंचा, ये यहां पे पहुंच गया, तो यहां के बजाय वो यहां ड्रिफ्ट कर गया, ये यहां से यहां ड्रिफ्ट कर गया, तो ध्यान दो ये सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ है बेटा, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसने यहां मूव किया, लेकिन ये ड्रिफ्ट कहां से कहां हुआ, इस साइड से इधर को ड्रिफ्ट हुआ, और ये यहां से इधर को ड्रिफ्ट हुआ, ये या इधर को ड्रिफ्ट हुआ, और ये भी यहां से इधर को ड्रिफ्ट हुआ, तो सभी की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कहां है बेटा, जो मूवमेंट है वो किस तरफ को बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो ये ड्रिफ्ट होती है इस तरफ को, वेरी वेरी स्मॉल होती है, ठीक है, ये जो ड्रिफ्ट है, तभी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करें बेटा, दो कंपोनेंट, तो थर्मल वेलोसिटी, दूसरे एडिशनल वेलोसिटी जुड़ गई, या एडिशनल वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है, तो उसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे यहां के बजाय वो आगे की ओर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, वो भी किस तरफ को, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोलते हैं टुवार्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन को क्या, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट कर रहा है इधर को, तो इसलिए जो जो वेलोसिटी आएगी इधर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे मैडम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सारे सारे जो इलेक्ट्रॉन बेटा इस साइड को ड्रिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन ध्यान देना है जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा बेटा, तो हमने पता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, एटम्स और आयन के साथ जो क्या करता है, कोलाइड करता है, जैसे मान लो कॉपर का है तो उसके कॉपर आयन के साथ क्या करेगा, कॉपर एटम के साथ वो कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा, आपको पता है, तो जो उसने एडिशनल काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो क्या हो जाएगी, कोलाइड करने पर वो लूज हो जाएगी, लॉस कर देगा उसको, ठीक है, और साथ में जब इमर्ज होगा तो एक कौन से कंपोनेंट के साथ, वो थर्मल वेलोसिटी के साथ इमर्ज होगा, और सर जब दोबारा से जो ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से क्या उसके ऊपर उधर को फोर्स लगती जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन है
ये क्या है बेटा, ये यहाँ पे कॉलिजन हुआ होगा, फिर यहाँ पे कॉलिजन होती है, इसके बीच में जो पाथ है वो कैसा होगा बेटा, कर्व, फिर यहाँ से द्वारा जो वही जो एक कंपोनेंट है ये कि मतलब इधर को मूव करता जा रहा है कंटिन्यूसली, और इसके ऊपर कंटिन्यूसली एक फोर्स लगती जा रही है इस एक्सेलरेशन के कारण, ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा बेटा, दोबारा से एक्सलेट करेगा, फिर अगले कॉलिजन उस एडिशनल काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा, फिर दोबारा से गेन करेगा, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी होगी होगी, लेकिन साथ में एडिशनल जो काइनेटिक एनर्जी है इस एक्सलेशन के कारण उसको लूज करता जाएगा इन नेक्स्ट कॉलिजन, और दोबारा से वो गेन करेगा। तो यहां पर ध्यान देना, जो एक्सलरेशन है इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो एक्सलरेशन के जो वेलोसिटी है वो लूज कर दे रहे हैं ड्यू टू कॉलिजन। तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस एंड से पॉजिटिव एंड पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी कि कितनी एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, उस एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बेटा ये एक एवरेज वेलोसिटी है, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड जो टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इस तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो, ठीक है। अब उस इन्फ्लुएंस के कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, क्लियर। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बेटा, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवार्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की उसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है बेटा उसकी जो एवरेज वेलो जो आती है लगभग, जो एवरेज वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन्स की वो लगभग वेरी वेरी स्मॉल आती है बेटा, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो वेरी वेरी स्मॉल होती है ड्रिफ्ट। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जितने भी पूरे कंडक्टर जितने भी इलेक्ट्रॉन वो ड्रिफ्ट करते जाएंगे धीरे 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 ऐसे ऐसे, ठीक है, जब तक यहां ना पहुंच जाए। तो ये प्रोसेस चल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके लिए बेटा एक्सप्रेशन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।